सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम रान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम सीखेंगे कि गूगल पे में आप किस प्रकार अपना बैंक बैलेंस जान सकते हैं। फिलहाल हमने गूगल पे अकाउंट खोल रखा है और यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल आइकॉन पे जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा नंबर गूगल पे के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद बैंक अकाउंट्स में हम देख सकते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट्स हमने लिंक करा रखा है। अगर हमें इनमें से किसी भी अकाउंट में ये जानना है कि कितना अमाउंट है तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट पे। अकाउंट में जाने के बाद आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से एक ऑप्शन होता है व्यू बैलेंस। जब हम व्यू बैलेंस करते हैं तो हमें यूपीआई पिन देने की ज़रूरत पड़ती है और प्लीज़ ये जान रखिए कि जो आपका यूपीआई पिन है वो अकाउंट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे यूपीआई पिन है 1122 और फिर ओके कर देंगे। तो ओके कर देने से फिर ये रिट्रीव करेगा इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में 6,315 रुपीज़ है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आइए इसमें फिर से आपको स्टेप्स बता दें। सबसे पहले तो आपके पास गूगल पे अकाउंट होना है, आपको क्रिएट करना है अकाउंट और फिर आप जिस नंबर से अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी नंबर से जुड़े हुए बैंकों को आप ऐड कर सकते हैं। आप बैंकों को कैसे ऐड करते हैं, आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसमें आप वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसका रजिस्टर्ड नंबर आपके गूगल पे से मिलता जुलता हो। उसके पहले आपको SMS प्लान रिचार्ज कराना ज़रूरी है वरना अकाउंट ऐड नहीं हो पाएगा। एक बार अकाउंट ऐड हो जाता है फिर आपके अकाउंट लिस्ट में दिखाई देता है, उसके बाद आप अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद व्यू बैलेंस क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि बैंक में कितना बैलेंस है। UPI पिन और आपका ATM के पिन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। UPI पिन यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिन जो कि भीम एप्लीकेशन से सेट किया जाता है, जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तब आपको ये क्रिएट करना होता है अगर वो भीम में पहले से नहीं है। तो आप एक बार पिन दे देते हैं और फिर ओके करते हैं तो आपको आपका अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि UPI पिन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारे हमने ट्यूटोरियल्स बना रखा है। अगर आपको हमारा आज का ये काम पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इस काम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली वालों के साथ। हमारा ये मिशन है कि हम हर देश के रेसिडेंट को और सीनियर सिटीजन को खासकर हेल्प कर पाएँ और वो समझ पाएँ कि किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल दुनिया में। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमनान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।